हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की स्टूडियो हम डिस्कस करेंगे कि हम सी सी प्लस का कंपाइलर विंडोज 7, 8, 8.1 और विंडोज 10 के लिए जो लेटेस्ट है कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम टर्बो सी का जो लेटेस्ट सेटअप है वो डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है टर्बो सी फॉर विंडोज 10 या विंडो 10, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। पहला आपने सर्च किया, देन यहाँ पर देखिए जो सेकेंड लिंक आ रहा है यहाँ पर HTTPS आर्चीव ऑन, इस वन पे क्लिक कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग इनका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है दिस प्रोजेक्ट माइग्रेटेड टू HTTP सॉन, यहाँ पर एक वेब एड्रेस दिया गया है, इस वेब एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन डैट वेब एड्रेस आप नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाएंगे। देन यहाँ पर जो इनका लिंक ओपन हुआ है नीचे, अब जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। देन ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेटअप है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए आ गया लिंक, तो इसको मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। जब मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक किया यहाँ पर देखिए ये जो इसका मैंने सेटअप डाउनलोड किया, डाउनलोड होना शुरू हो गया। और ये जिप फाइल होगी, सबसे पहले आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा। सो मैं इसको ओपन फोल्डर कर रहा हूँ। जब मैंने ओपन फोल्डर किया तो ये यहाँ पर आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से पहले इसको डेस्कटॉप पे मूव कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली, यहाँ से यहाँ पर प्रॉपरली कॉपी पेस्ट नहीं हुआ तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप फिलहाल यहीं से कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करिए। देन यहाँ पर देखिए आ रहा है एक्सट्रैक्ट हेयर, क्लिक कर लीजिए। देन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी इसकी सारी फाइल्स है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी और ये पर्टिकुलर इसी लोकेशन पर आ जाएंगी। अदरवाइज आप यहाँ से उसकी लोकेशन ब्राउज करके डेस्कटॉप पर भी उसको फिलहाल उसको आप अनजिप कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको अनजिप किया तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया है, जो कि डाउनलोड कंप्रेस्ड और टर्बो सी का जो पर्टिकुलर फोल्डर बना है उसके अंदर आ गया। उसको मैं डबल क्लिक करूँगा। देन आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए सेटअप फाइल अवेलेबल है, इसको डबल क्लिक करिए इंस्टॉल करने के लिए। जब आप सेटअप पे क्लिक करेंगे देन आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए मेरी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर पेज आएगा, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जो भी इनका लाइसेंस वगैरह है एग्रीमेंट उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। देन इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा, इसको भी यस कर लीजिए। देन आफ्टर डैट जो भी टर्बो सी की फाइल्स हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी होनी शुरू हो गई है। देन आफ्टर डैट इसको लॉन्च करना चाहिए लॉन्च कर लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से फिनिश करके यहाँ से जो बैक विंडो थी उनको मिनिमाइज कर दिया। सो ये जो मेरे पास पहले ये जो टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ये ओल्डर वर्जन था, कुछ फीचर्स इसमें काम नहीं करते। जैसे मैंने exe फाइल क्रिएट करनी थी सी प्लस के प्रोग्राम की, वो exe फाइल मेरी डायरेक्टली रन नहीं हो रही थी। बिकॉज आपको पता है अगर आपने कहीं भी प्रोजेक्ट वगैरह शो कराना है तो वहाँ पर आपका डायरेक्टली आप कोड रन नहीं करते, तो उसके लिए आपको exe फाइल ही एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो इसमें हम exe फाइल कैसे रन करेंगे वो भी देखते हैं। तो ये देखिए पहले देख लेते हैं इसका इंटरफेस, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप टर्बो सी के यहाँ पर जो इंस्टॉल किया उसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फिलहाल पहले ये जो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बनाया यहाँ पर मैंने कॉपी किया और इसको मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में ले जाऊँगा बिन जो इस पर्टिकुलर टर्बो सी प्लस का है। इसको मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। देन आफ्टर डैट माई कंप्यूटर में चला गया। माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव में चला गया। यहाँ पर ये जो मैंने टर्बो सी अभी इंस्टॉल किया दिस वन इज डैट फोल्डर, इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया। देन डिस्क में चला गया। देन आफ्टर डैट ये जो टर्बो सी थी इसमें चला गया। स्टेप्स प्रॉपरली याद रखिएगा। देन बिन में जाकर यहाँ पर मैंने उस पर्टिकुलर कोड को पेस्ट कर दिया जो मैंने डेस्कटॉप पर था उसको कॉपी किया था। रिप्लेस मांग रहा है, रिप्लेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरा एड्रेस है मैंने कैसे कैसे आया, सी में टर्बो सी प्लस प्लस था, फिर डिस्क में गया, टर्बो सी थ्री में गया, बिन में गया और वहाँ पर वो मैंने कोड पेस्ट कर दिया और इस विंडो को क्लोज कर दिया। नाउ अब मैं यहाँ से स्टार्ट टर्बो सी कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट टर्बो सी किया देन यहाँ पर देखिए उसका जो मेन पेज है वो ओपन हो गया। मुझे एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, ऑल टैब से फाइल करूँगा, ओपन करिए। ओपन करने के बाद मेरा प्रोग्राम किस में था, डॉट सी पी पी, मैंने यहाँ किया डॉट सी पी पी और एंटर किया। प्रोग्राम का नाम था पे डॉट सी, इसको ओके कर दीजिए। देन आफ्टर डैट इसको रन करते हैं दिस वन, और यहाँ से मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ दिस वन। नाउ
अब यहाँ से मैं टर्बो सी को एग्जिट कर देता हूँ, फाइल में जाइए, यहाँ से क्विट कर दीजिए, अदरवाइज ऑल्ट एक्स भी कर सकते हैं। नाउ अब देखिए मुझे उसकी जो ई एक्स फाइल वैसे बनती है वो आपकी सोर्स फोल्डर में बन जाती है। मुझे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ओपन प्री कंपाइल्ड ई एक्स फाइल, आप इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो आपने कोड रेडी किया एक बार आपको उसको एग्जीक्यूट करना ही होगा तभी आपकी ई एक्स फाइल सोर्स में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैं पे पे क्लिक कर दूंगा, देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं ओपन पे क्लिक करूंगा ये देखिए यहाँ पर मेरा जो मेन प्रोजेक्ट का सेटअप है वो आ गया। यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट की जो भी इम्प्लॉई है उसकी डिटेल ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो सबसे पहले मैंने कोड दिया 102 दिया, एम्प्लॉय का नेम मैंने यहाँ दिया अरुण, डिपार्टमेंट मैंने दे लिया कंप्यूटर, डेजिग्नेशन दे दिया स्टाफ, चलिए एडमिन दे देते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ फॉर्मेट देखिए क्या है, मंथ मंथ, डेट ईयर ईयर ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है इस वन, देन एंटर कर दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए, मैं यहाँ पर फिलहाल नॉर्मली दे रहा हूँ दिस वन, देन एंटर। एड्रेस दे लीजिए पंजाब, देन दिस वन। कॉन्टैक्ट नंबर दे लीजिए कोई भी रैंडमली, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, देन यहाँ से एंटर कर लिया, देन ओके। अब देखिए मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन देखिए सर्च एन एम्प्लॉय, तो मैं जब थ्री पे क्लिक किया देन ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का कोड यहाँ पर मांग रहा है, तो अभी मैंने जो रिकॉर्ड फिल किया उसका जो इम्प्लॉय कोड था डेट वन इज 102, देन मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ देखिए इम्प्लॉय की जो पूरी डिटेल है 102 अरुण कंप्यूटर एडमिन, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन डिटेल यहाँ पर शो कर दी है। ऊपर देखिए जो पूरी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग नीचे उसकी पूरी डिटेल शो कर रहे हैं। सो ये तो मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, जहाँ भी आप इसको डिस्प्ले करना चाहते थे वहाँ आप डिस्प्ले इसको कर दीजिए, देन आफ्टर एंटर कर दीजिए। सिक्स ऑप्शन एग्जिट के लिए मैंने यहाँ सिक्स प्रेस किया और यहाँ से मैं एग्जिट हो गया। सो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मैं आपको एक चीज़ और प्रेफर करना चाहूँगा, जब भी आप अगर आपके सिस्टम में जहाँ भी आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे वहाँ ये आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है तो सीडी में या डीवीडी में इसको पहले कॉपी कर लीजिए, कोड को भी कॉपी कर लीजिए, देन वहाँ पर अगर ये नहीं है तो वहाँ इसको इंस्टॉल करके देन आप ये कोड वहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली टर्बो सी जो ओल्डर वर्जन है उसे एग्जीक्यूट करेंगे उससे आपकी ई एक्स फाइल वर्क नहीं करेगी, एरर शो करेगी, बिकॉज विंडोज 8.1 या विंडोज 10 में वो डायरेक्टली रन नहीं करती। सो मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन उसके लिए ये जो टर्बो सी का नया सॉफ्टवेयर है इसकी हेल्प से आप प्री कंपाइल्ड जो ई एक्स फाइल है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।